हेलो फ्यूचर चार्टेड अकाउंटेंट, स्वागत है आपका क्लियर सी एग्ज़ाम्स पे। हमारा विज़न है टू हेल्प यू क्लियर सी एग्ज़ाम्स बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर फ्री। जल को बर्फ़ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है, पानी जब आप फ्रीज़र में रखते हो आइस क्यूब बनाने के लिए तो वक्त लगता है ना, वैसे सूरज को निकलने में भी वक्त लगता है। एक बार सूरज ढल जाता है तो उसको निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत बदलने में वक्त लगता है। लेकिन अपने हौसलों से किस्मत बदलने में वक्त लगता है। तो अगर वक्त लग रहा है तब घबराइए मत, क्योंकि वक्त लगता है। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का डिस्कशन बेसिकली हम लोग कुछ एग्जेम्पशंस की बात करेंगे। एग्जेम्पशंस एज इन द केस कि हम हमेशा अभी बात करते आ रहे हैं कि एक होल्डिंग कंपनी, एक सब्सिडरी है और एक जॉइंट वेंचर है, जॉइंट वेंचर जॉइंट ऑपरेशन चला रहा है। ठीक है, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने आप को इस नज़रिए से देखते हैं, मतलब ऐसा नज़रिया कि हम कंपनी के बिजनेस को चलाएंगे। यहाँ पे यही हमारा सोल एंड होल पर्पस रहता है इन सारे केसेस में कि हम कंपनी के बिजनेस को रन करेंगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ऐसा एक ऐसा केस है जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ इनकम जनरेट करने के लिए, और वो ऐसा इनकम कि कैपिटल एप्रिसिएशन करने के लिए हम वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, कैपिटल एप्रिसिएशन करने के लिए और इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए। बेसिकली हमारा पर्पस रहता है कि उस कंपनी में पैसा लगाओ, हम हमारे पास पैसा है, हमारे पास फंड है, इस पैसे को हम लगाएं और उससे हम उसकी वैल्यू बढ़ा के जो पैसा आ रहा है वो पैसा कमाएं, और अगर वो डिविडेंड दे रहा है तो वो पैसा कमाएं। हमें उसके बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम उसकी हम अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा के वहाँ से पैसा कमा रहे हैं और इन्वेस्टमेंट से जो इनकम आ रही है उसको कमा रहे हैं। तो कैसा लगेगा? यहाँ पे तो हम लोग बात की कि बिजनेस रन करेगा, पावर, राइट टू डायरेक्ट पावर, ये सब वो सब, बट यहाँ पे बोला कि हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमको सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए और इन्वेस्टमेंट की इनकम चाहिए। तो उस केस में एक कॉन्सेप्ट आता है, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एंटिटी, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए उसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, उसके साथ साथ डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज इन्वेस्टमेंट एक एंटिटी एंड उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। अगर वो क्वालिफाई करेगा तो वो इन्वेस्टमेंट एंटिटी बनेगा। किसी भी टॉपिक पे अगर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, अगर हम ये बोलते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट एंटिटी है या होल्डिंग है, तो उसके डेफिनेशंस को अगर वो क्वालिफाई करता है, उसके पैरामीटर्स जो जो हैं, जो जो पैरामीटर्स हैं उसको अगर वो क्वालिफाई करता है, तो वो हम मान लेंगे कि वो इन्वेस्टमेंट एंटिटी या फिर होल्डिंग, सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर, जॉइंट ऑपरेशन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार इन्वेस्टमेंट एंटिटी कैसी होती है, कैसे डिफरेंट है इन सब भाइयों और बहनों से। ठीक है, अगर आपको कोई इमोजी चाहिए तो आई कैन ब्रिंग दैट, आई गेस। यस, हाउ आर यू फीलिंग? मे बी हैप्पी या मोर देन हैप्पी, सो विल प्लीज दैट। या इट इज हैपनिंग। ओ नहीं हुआ, सो शुड वी ट्राई अगेन? क्या कर रहे हो भैया? ओके, एक बार ट्राई करने दो यार। या कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमारे पास इमोजी आ गया है, अगर इफ़ यू आर फीलिंग लाइक दिस। अरे बड़ा नहीं होता क्या? ठीक है, इतना से हम लोग काम चला लें।
ओके दिस इज इफ यू आर फीलिंग हैप्पी देन आई एम जस्ट ट्राइंग एक्सपेरिमेंटिंग फ्यू थिंग्स तो ओके लेट्स स्टार्ट. एक फंड हैज़ बीन सेटअप बाई इट्स मैनेजर. इनिशियली द मैनेजर इज़ द ओनली शेयर होल्डर्स. ठीक है, एक फंड वो लोग सेटअप करते हैं. As at its first period end, the fund has not been successful in receiving fund. कोई दिक्कत नहीं, उसको इन्वेस्टर नहीं मिलने उस फंड के लिए जहाँ पे पैसा बड़ा हो सके. जैसे कि एक म्यूचुअल फंड होता है तो उसमें पैसा पुल होता है, फिर वो लोग इन्वेस्ट करते हैं फ्रॉम अदर परस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स. बट इट इज़ एक्टिवली सॉलिसिटेटिंग न्यू इन्वेस्टर्स. द फंड मतलब वो लगा हुआ है नए इन्वेस्टर्स लाने के लिए. द फंड इन्वेस्ट इन ग्लोबल and equity related derivatives and it provides it one shareholder with the investment management service as mandated in its prospectus. इसके prospectus में ये लिखा हुआ है कि ये investment related investment management service देगा. Its prospectus states that it expects to buy and sell investments regularly and expects holding periods of more than one year to be rare. मतलब एक साल से कम ही पैसा रखेंगे, कमाएंगे, निकल लेंगे. The fund generates returns from capital appreciation, जिसका हम लोग बात करते थे. Capital appreciation से fund generate होता है और investment income से in the form of dividends. The fund fair value all investments and these valuations. So fund की fair value होती है and these valuations on the basis of the subscription and redemptions into and out of the fund. जितना आया है, जितना गया, उसके हिसाब से fair value की जाती है. Subscription redemptions can occur daily is the fund. मतलब आप daily खरीद सकते हो, redeem कर सकते हो. ठीक है, तो इसको देख के आपको क्या लगा? एक fund setup हुआ, वहाँ पे वो capital appreciation से profit कमाएगा, investment income से कमाएगा और एक साल से कम ही रखेगा. तो इसका business से कोई relation नहीं. उसकी investment की value बढ़ा के कमा के निकलना है या फिर investment से जो dividend आया उसको लेके जाना है. ठीक है, और उसमें subscription and redemption का offer, जैसे कि मैंने आपके suppose करो mutual fund की बात कर लेते हैं. म्यूचुअल फंड में मैंने पैसा लगाया और मेरे पास मान लो राइट रहता है कि मैं एक साल दो साल बाद पैसा निकाल सकता हूँ या फिर आज या कल निकाल सकता हूँ, डेली निकाल सकता हूँ. ठीक है, ये जो फंड है ये फंड कहीं इन्वेस्ट करके रखा हुआ है. ठीक है, कहीं ना कहीं इसको इन्वेस्ट करके रखा हुआ है तो इसकी वैल्यू इन्वेस्टमेंट की ऊपर नीचे हो रही, तो इसी हिसाब से यहाँ पे फंड की भी वैल्यू ऊपर नीचे होगी तो उसके हिसाब से आप सब्सक्रिप्शन रिडिम्पशन कर सकते हैं. ठीक है, तो आपको ये फीलिंग आ रहा है कि ये बिजनेस विजनेस करने के लिए नहीं किया हो गया, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए किया गया. तो इसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फर्म्स. तो क्या डेफिनेशन होता है इन्वेस्टमेंट फर्म का या फिर हम कैसे चेक करें? सो चेक करेंगे हम कैसे कि ये इन्वेस्टमेंट फर्म है, IF है. पहले हम ये देखेंगे क्या वो डेफिनेशन क्वालिफाई कर पा रहा है या नहीं. तो डेफिनेशन क्या है कि अगर उसको पॉइंट वाइज में हम लोग लिखें, पहला पॉइंट है कि जो एंटिटी है वो ऑब्टेन करे फंड फॉर प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट का मैनेजमेंट सर्विस. हम पैसा ऑब्टेन कर रहे हैं कि हम आपका पैसा मैनेज करेंगे, ये होना चाहिए पहली चीज़. दूसरी चीज़ कि इसका जो सोल पर्पस होना चाहिए, सोल पर्पस टू इन्वेस्ट फॉर रिटर्न सोलली फ्रॉम, मैंने आंसर भी नीचे लिखा हुआ है जिससे कि आपको एक बार उसको रिवाइज कर दिया जाएगा, फिर भी पहले हम समझा देते हैं. रिटर्न फ्रॉम सोलली इन्वेस्टमेंट का कैपिटल एप्रिसिएशन, फ्रॉम कैपिटल एप्रिसिएशन एंड इन्वेस्टमेंट इनकम. मतलब आपने ये फंड क्रिएट किया है जिसमें आप इन्वेस्टर से पैसा लेते हो और उसको इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करते हो, पहली कंडीशन.
तब वो इन्वेस्टमेंट फॉर्म होगी। उसके साथ साथ आप कोई भी फंड लेते हो और उसको इन्वेस्ट करते हो कैपिटल एप्रिसिएशन और इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए, ना कि बिजनेस के लिए, ठीक है। तीसरी कंडीशन, एंटिटी मेजर करती है एंड इवैल्यूएट इन्वेस्टमेंट ऑन फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे वो मेजर और इवेल्युएट करती हैं। तो क्या ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं? पहला, एंटिटी ऑप्टेन्स फंड फॉर प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विस। तो यहाँ पे दुख को लिखा हुआ है कि इट प्रोवाइड्स इट्स वन शेयर होल्डर विद द इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विस, मतलब उसके प्रॉस्पेक्टस में लिखा हुआ है कि हम इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं और कोई सर्विस नहीं प्रोवाइड करते, ठीक है। सोल पर्पस क्या है इसका? कि कैपिटल एप्रिसिएशन और इन्वेस्टमेंट इनकम से पैसा जनरेट करना, रिटर्न जनरेट करना, ठीक है। तो ये भी क्वालिफाई। और बोल रहा है कि एंटिटी मेजर एंड इवैल्यूएट, बोलता है कि एंटिटी मेजर कर दी द फंड वैल्यूज ऑल इट्स इन्वेस्टमेंट एंड दीज वैल्यूएशंस आर ऑन द बेसिस सब्सक्रिप्शन रिडेम्पशन इनटू द आउट ऑफ द फंड। तो ये बोल रहा है कि जो इनका वैल्यूएशन हो फेयर वैल्यू पे हो, तो यहाँ पे लिखा ना फंड फेयर वैल्यूज ऑल इन्वेस्टमेंट, ये फेयर वैल्यूएशन करती है। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। ये पहला स्टेप है, स्टेप वन में हम लोग ये चेक करेंगे, ठीक है। स्टेप टू में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करेंगे। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है स्टेप टू में आ जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसमें मोर देन वन इन्वेस्टर होने चाहिए, मोर देन वन इन्वेस्टर आज होने चाहिए या फिर फ्यूचर में होने की उम्मीद है। जैसे कि यहाँ पे एक इन्वेस्टर है लेकिन वो कोशिश कर रहा है कि आने वाले हैं इन्वेस्टर्स, ठीक है। और इसके पास मोर देन वन इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए या फिर फ्यूचर में होना चाहिए, मतलब ये सब्जेक्टिव, ऐसा नहीं कि एक ही रहेगा तो ही माना जाएगा। इसमें बोला कि फ्यूचर में आप देख रहे हो कि और कहीं इन्वेस्ट करें या फिर और इन्वेस्टर्स लाएं तो भी चलेगा यहाँ पे। तीसरा कंडीशन है कि जो इन्वेस्टर्स हैं आपके वो रिलेटेड पार्टीज नहीं होने चाहिए, रिलेटेड पार्टीज नहीं होने चाहिए। चौथा है, सिंपल सी बात, इसका ओनरशिप इंटरेस्ट रहना चाहिए, इट हैज़ ओनरशिप इंटरेस्ट उस फंड में, उसका ओनरशिप इंटरेस्ट रहना चाहिए बाय इक्विटी और एनी अदर फॉर्म, उसका ओनरशिप इंटरेस्ट रहना चाहिए, मतलब उसका खुद का उसमें पैसा लगा रहना चाहिए। तो ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्टेप टू में, कि एक से ज़्यादा इन्वेस्टर होना चाहिए या फिर होने वाला होना चाहिए, एक इन्वेस्टमेंट होना ही चाहिए, मतलब एक से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए या फिर होने वाला होना चाहिए, मतलब फ्यूचर में हो सकता है ऐसा, कोई रिलेटेड पार्टी ना हो और आपका खुद का ऑनरशिप इंटरेस्ट हो। तो डेफिनेशन स्टेप वन, स्टेप टू आपका हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर ये दोनों क्वालिफाई करते हैं तो हम लोग बोल देंगे कि यस इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी। अब देखते हैं सॉल्यूशन में क्या लिखा हो जिससे कि आपको फटाफट क्लियर हो जाएगा। द फंड इज एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी, ठीक है, यहाँ पे बोल दिया जैसा कि हम लोग भी ऊपर देख रहे थे। इट मीट्स द डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंटिटी, इट हैज़ बीन सेटअप टू प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज टू इट्स इन्वेस्टर। तो डेफिनेशन को पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, डेफिनेशंस को चेक करें, जिसमें हमने बोला था कि इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विस के लिए ये सेटअप किया गया हो। तो इसके प्रॉस्पेक्टस में लिखा है, मतलब उसका पर्पज ये वही है, फॉर दिस पीरियड इट हैज़ ओनली वन इन्वेस्टर्स and so it providing investment management services to itself, but this is not its long term management intention. अभी उसने खुद का पैसा लगाया हुआ, खुद को investment management service provide कर दे रहा है, लेकिन उसका long term perspective है कि और investors उसमें लाए, वो खोज रहा है, उसमें लिखा है। It is carrying on investment activity with the objective of the capital appreciation, यहाँ पर साफ साफ लिखा है capital appreciation की objective से काम कर रहा है। It measures its underlying investment on a fair value, साफ साफ लिखा हुआ है, फॉर सब्सक्रिप्शन रिडेम्पशन इनटू एंड आउट ऑफ द फंड। तो ये डेफिनेशंस को क्वालिफाई कर जा रहा है। कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाते हैं, तो पहला स्टेप इन्होंने क्वालिफाई कर दिया, ऑल्दो इन्होंने डिसीजन पहले ही दे दिया है,
तो उसके हिसाब से इट होल्ड्स मल्टीपल इन्वेस्टमेंट. मल्टीपल इन्वेस्टमेंट होल्ड करते हैं मतलब बहुत जगह पैसा लगा के रखे हैं ये. ठीक है ठीक है. द फंड हैज़ नॉट बीन सक्सेसफुल इन रिसीविंग फंड फ्रॉम द इन्वेस्टर प्रॉपर्टी बट इट एक्टिवली सोलिसिटिंग मतलब नए इन्वेस्टर्स को खोल ले. अभी एक ही इन्वेस्टर है लेकिन ये नए नए इन्वेस्टर्स को खोल रहे. फंड इन्वेस्ट इन अ ग्लोबल एंड इक्विटी रिलेटेड डेरिवेटिव्स. सो मतलब बहुत ग्लोबल इक्विटीज एंड इक्विटी रिलेटेड डेरिवेटिव्स में पैसा लगा दो. सिंगल नहीं है बहुत सारे. ठीक है तो अब बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या ये क्वालिफाई करता है या नहीं. इट होल्ड्स मल्टीपल इन्वेस्टमेंट. पहला हम लोग बात करें मल्टीपल इन्वेस्टमेंट बहुत जगह ग्लोबल इन्वेस्टमेंट करता है तो मल्टीपल इन्वेस्टमेंट होल्ड तो करता है. इट डज़ नॉट हैव मल्टीपल इन्वेस्टर्स. आई मीन इन्वेस्टमेंट तो मल्टीपल है लेकिन डज नॉट हैव मल्टीपल इन्वेस्टर्स. बट दिस इज़ एक्सपेक्टेड टू बी टेम्पोररी एंड द फंड मैनेजर इज एक्टिवली सोलिसिटेटिंग न्यू. मतलब वो एकदम जम के लगा है कि नए नए इन्वेस्टर्स को लाया जाए. तो जैसा मैंने बोला था कि कैरेक्टरिस्टिक्स में एक इन्वेस्टर से ज़्यादा होना चाहिए मतलब मोर देन वन इन्वेस्टर होना चाहिए. लेकिन ऐसा नहीं कि वही एक रिजिड है. अगर आप खोज रहे हो फ्यूचर में आने वाला तो भी काम चल जाएगा. ये कैरेक्टरिस्टिक्स है मेन चीज़. तो डेफिनेशन पे हमें फोकस करना चाहिए. इट डज़ नॉट हैव ऑल दो ये भी ज़रूरी है. इट डज़ नॉट हैव अनरिलेटेड इन्वेस्टर्स. एक ही इन्वेस्टर तो कहाँ से अनरिलेटेड. रिलेटेड की बात आएगी. इट इशूज ऑनरशिप इंटरेस्ट इन द फॉर्म ऑफ द रिडीमेबल. इट इशूज ओनरशिप इंटरेस्ट इन द फॉर्म ऑफ रिडीमेबल यूनिट्स दैट इंटाइटल्स द होल्डर्स टू अ शेयर ऑफ नेट एसेट्स. तो जो ओनरशिप की बात है ओनरशिप इंटरेस्ट भी इसमें है क्योंकि आपके पास रिडीमेबल का ऑप्शन है कि आप बेच और ख़रीद सकते हैं. तो आप ओनर हो मालिक हो खरीद भी सकते हो और बेच भी सकते हो. तो सारी कंडीशंस सेटिस्फाई कर रहे हैं. इसका खुद का उसमें ओनरशिप है. इसने खुद इन्वेस्ट किया फंड को. इसी ने सेटअप एंड स्टार्ट किया है. तो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पूरे हो गए. सारे के सारे डेफिनेशंस के टर्म पूरे हो गए. और क्या बाद में लिखा ऑल द फंड हैज़ अ सिंगल इन्वेस्टर. सिंगल इन्वेस्टर पे थोड़ी सी बात की गई है. दिस इज एक्सपेक्टेड टू बी टेम्पोररी. फेलिंग टू मीट दिस टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डज नॉट मीन दैट द फंड इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट एंटिटी. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डेफिनेशन एंड द फंड्स ओवरऑल बिजनेस पर्पज इट इज एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी. द फंड इज रिक्वायर्ड टू मेक अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन वाई इट क्वालिफाइज एज एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी इवन वेन इट हैज़ ओनली वन इन्वेस्टर्स. तो इसको ये डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे कि ये एक टेम्पररी है. फ्यूचर में आने वाले समय में हम और इन्वेस्टर्स को लाएंगे और ये एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी है क्योंकि इन्हें क्राइटेरिया फुलफिल कर ली एक्सेप्ट फॉर वन जो कि उतनी रिजिड नहीं है. चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए. सेम तरह का क्वेश्चन है. इसका भी हमने आंसर रखा हुआ है तो डायरेक्ट आंसर देखेंगे क्वेश्चन पढ़ने के बाद. ओके अ फंड इज सेटअप बाई अ कॉर्पोरेट एंटिटी. कॉर्पोरेट एंटिटी इन्होंने फंड सेट किया है तो इसी फंड के बारे में हमें बात करनी है कि दैट रन्स अ पावर प्लांट. वो पावर प्लांट का बिजनेस रन करते कॉर्पोरेट एंटिटी विच ओन्स ऑल ऑफ इट्स यूनिट इन द फंड. सारे के सारे यूनिट ये होल्ड करते हैं. नीड्स टू कीप फंड्स अवेलेबल इन केस ऑफ टेक्निकल फेलियर फॉर इट्स पावर प्लांट. अपने लिए बचा के रखे हुए हैं. द एंटिटी डज नॉट हैव द एक्सपर्टीज टू मैनेज द फंड. और एंटिटी के पास खुद का कोई एक्सपर्टीज नहीं. सो इट अपॉइंट्स अ थर्ड पार्टी एसेट मैनेजर. वो थर्ड पार्टी एसेट मैनेजर अपॉइंट करता है मतलब एक फंड मैनेजर आता है. द एंटिटी कैन रिमूव द फंड मैनेजर ऑन 4 month नोटिस और उसे वो रिमूव कर सकती है. द फंड इन्वेस्ट इन ट्रस्टेड इक्विटी एंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स. मतलब एक नहीं बहुत जगह वो इन्वेस्ट करते एज सेट आउट इन द इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट एंड फंडिंग डॉक्यूमेंट. कि हम बहुत जगह इन्वेस्ट करेंगे ट्रेडेड इक्विटी में डेट इंस्ट्रूमेंट में. एंड इट्स मैक्सिमम एक्सपोजर टू वन इन्वेस्टमेंट इज नॉट मोर देन 11% ऑफ द मनी इंस्टेड. मतलब वो मैक्सिमम एक्सपोजर कितना रिस्क वो लोग लेगा उसके हिसाब से 11%. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फंड इज टू जनरेट रिटर्न्स एदर फ्रॉम डिविडेंड एंड इंटरेस्ट और फ्रॉम सेलिंग द इंस्ट्रूमेंट. मतलब कैपिटल एप्रिसिएशन और उसके होने वाले इनकम. तो हमारी डेफिनेशन पूरी हो रही है. द फंड डज नॉट इन्वेस्ट इन द पावर इंडस्ट्री एंड कॉर्पोरेट एंटिटी हैज़ नो अदर रिलेशनशिप विद द फंड. मतलब कोई रिलेटेड पार्टी है नहीं.
सो फॉर एग्जाम्पल इट डज़ नॉट हैव ऑप्शन टू बाई एनी ऑफ द इन्वेस्टमेंट मेड बाई द फंड, इट डज़ नॉट हैव, कॉर्पोरेट के पास कोई पावर नहीं कि वो बाई कर सके पावर प्लांट का, मतलब कि खुद का, मतलब खुद की कंपनी में इन्वेस्ट कर सके. द फंड रिपोर्ट्स, मतलब कोई रिलेटेड पार्टी नहीं है इसमें. द फंड रिपोर्ट्स फेयर वैल्यू इन्फॉर्मेशन, फेयर वैल्यू इन्फॉर्मेशन एंड इट्स कॉर्पोरेट पैरेंट इंटरनली, मतलब वो फेयर वैल्यूएशन दिखाती है खुद में और अपने मम्मी पापा जो पैरेंट है इसकी कॉर्पोरेट एंटिटी वो, एंड इट्स परफॉर्मेंस इज़ इवेल्युएटेड अगेंस्ट अ बेंचमार्क स्टॉक एक्सचेंज, मतलब इसकी परफॉर्मेंस फेयर वैल्यू के हिसाब से होती है. द फंड इशूज यूनिट, यूनिट्स दैट आर रिडीमेबल एट एनी टाइम. द रिडीमेबल शेयर्स पे द नेट एसेट्स वैल्यू ऑफ द फंड, जो कि उसकी फेयर वैल्यू होगी उस दिन वेन लिक्विडेटेड, एंड दे अकाउंट फॉर बाय द फंड एज इक्विटी अंडर द इंडियस, और इक्विटी की तरह वो अकाउंट किए जाते हैं. द यूनिट डू नॉट कैरी वोटिंग राइट, और उनकी वोटिंग राइट नहीं रहती. इज द फंड, जैसे कि म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हो, यूनिट खरीदते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, यूनिट खरीदते हो, वोटिंग पावर रहता है आपके पास? आंसर इज नो. सो इज इट द फंड इन्वेस्टमेंट एक्ट, इज द फंड एज एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी, हाउ डज द कॉर्पोरेट एंटिटी अकाउंट फॉर इट्स इंटरेस्ट इन द फंड? क्या एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी और कॉर्पोरेट वाला कैसे बात करें? तो वही फिर आ गया कि फंड इज इन्वेस्टमेंट एंटिटी, इट मीट्स द डेफिनेशन, इट प्रोवाइड्स इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विस टू इट्स इन्वेस्टर, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की सर्विस प्रोवाइड करता है. इट बिजनेस पर्पजेज इज टू इन्वेस्ट इन, मतलब बहुत मल्टीपल इन्वेस्टमेंट करता है. किस काम के लिए? कैपिटल एप्रिसिएशन और इन्वेस्टमेंट इनकम, दो इनकम का सोलली इनकम इनका कहाँ से आ रहा है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट इनकम से, कैपिटल एप्रिसिएशन और इन्वेस्टमेंट इनकम से. जो डेफिनेशन का पार्ट है वो डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है. इट मेजर्स एंड इवेल्युएट्स द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट ऑन अ फेयर वैल्यू बेसिस, फेयर वैल्यू बेसिस पे करते हैं. द फंड डिस्प्लेस टू ऑफ द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें सिर्फ दो कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी हो रही है. द फंड होल्ड्स मल्टीपल इन्वेस्टमेंट, द फंड ओनली हैज़ वन इन्वेस्टर, जो खुद का कॉर्पोरेट का पैसा लगाया. सो बट इन दिस सरकम देर इज़ नॉट, दैट इज़ नॉट इनकन्सिस्टेंसी, इसको इनकन्सिस्टेंसी नहीं माना जाता कि कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पूरा होगा तो भी कोई बड़ी बात नहीं है. With its overall business purpose, with the definition of an investment entity, जो इसका business purpose है सोली capital appreciation करेगा और investment income कमाएगा, तो उसको देखते हुए एक investor है उससे कोई फर्क ज़्यादा पड़ता नहीं. The fund does not have unrelatable investors, unrelated investors, because there is only one investor, कोई relation नहीं है. In these circumstances, this is not inconsistent with the definitions of investment entity. अब बात क्या है कि एक ही यहाँ पे इन्वेस्टर है, रिलेटेड वन रिलेटेड कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, एक ही है. तो यूनिट्स इशूड बाय द फंड्स एंटाइटल्स द होल्डर टू प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ द नेट एसेट वैल्यू ऑफ द फंड, वो उसकी वैल्यू जो है उसको, उसके लिए एंटाइटल करता है. अगर आप एक यूनिट खरीदते हो तो आपको उसकी नेट एसेट वैल्यू पे आप उसको रिडीम भी कर सकते हो, तो उसकी ऑनरशिप भी प्रोवाइड करता है आपको. Two of the characteristics are not satisfied because the fund has a single investor. When examining all the facts and circumstances, however, the fund concludes that it is an investment entity. Related party और एक ही investor है, उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता. Related party के केस में तो था कि एक ही investor है तो कहाँ से related party का सवाल ही उठता है, ठीक है. और एक investors है उससे कोई भी फर्क ज़्यादा पड़ता नहीं. मेन चीज़ है definition पूरी कर रहा है या नहीं कर रहा. And that the failure to meet two of the typical is not inconsistent with the definition. Inconsistence with the definition नहीं है. Definitions हमेशा सही होनी चाहिए, जो हमेशा यहाँ पर सही है. The corporate entity is not an investment entity. ये investment entity नहीं, ये आपको समझना होगा. ये corporate ने पैसा लगाया इस fund में, ये fund एक investment entity है, ना कि ये corporate. ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है. इट कंसॉलिडेट द फंड, वो कंसॉलिडेशन करेगा, इसका पूरा 100% इसमें इन्वेस्टमेंट है तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको कंसॉलिडेट करेगा. एनी कंट्रोल्ड इन्वेस्टमेंट मेड बाय द फंड, और ये फंड जो भी इन्वेस्टमेंट करता है इसका बेसिकली सारा चीज़ ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कंसॉलिडेट कर देगा कॉर्पोरेट, क्योंकि इसका कॉर्पोरेट इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंटिटी, दैट इज द फंड दैट इज विच हैज़ बीन क्रिएटेड. ठीक है, तो ऐसा. और
प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही था, बस इसमें वही वन इन्वेस्टर वाला इसमें भी पॉइंट था, और यहाँ पे एक रिलेटेड पार्टी वाला एक कॉन्सेप्ट था जो कि हमने कर लिया कि एक ही आदमी है तो क्या रिलेटेड पार्टी का बात होगा। ठीक है, ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम द एग्जिम्पशन। एग्जिम्पशन को अगर क्लैरिफाई किया जाए तो एग्जिम्पशन में हमने क्या पढ़ा कि बेसिकली हमने पढ़ा इन्वेस्टमेंट, अच्छे से लिख देते हैं, हमने पढ़ा इन्वेस्टमेंट एंटिटी के बारे में। ये एक ऐसी एंटिटी है जहाँ पे हमारा सोल पर्पज़ रहता है कि हम इन्वेस्टमेंट इनकम से कमाएं या कैपिटल एप्रिसिएशन से कमाएं। और हमारा पर्पज़ रहता है कि इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करें, डेफिनेशंस की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, और ये मेज़र करे इवेल्युएट करती है अपनी इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे। तो ये बेसिकली ये डेफिनेशन, इसको फुलफिल होना ज़रूरी है। कैरेक्टरिस्टिक्स में एक इन्वेस्टर रहे या फिर एक ही जगह इन्वेस्टमेंट रहे, कोई फर्क, मतलब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कैरेक्टरिस्टिक्स से। द मोर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ वेदर इट इज़ क्वालिफाइंग द डेफिनेशन और नॉट। अब इन्वेस्टमेंट मोर देन वन होना चाहिए, एक से ज़्यादा होना चाहिए, इन्वेस्टर एक से ज़्यादा होना चाहिए, या फिर ऐसा आपको लगना चाहिए कि फ्यूचर में होने वाला है, या फिर इसकी जो डेफिनेशन से उससे आप सेटिस्फाई हो रहे हो। उसके बाद आपका आता है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स नहीं होते, जैसे कि पावर प्लांट में ये लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, पावर प्लांट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बेसिकली वो रिलेटेड पार्टी हो जाता, खुद का पैसा खुद में इन्वेस्ट कर रहे हो, जो कि यहाँ पे नहीं हो रहा। सो अनरिलेटेड ट्रांजेक्शन सारे हो रहे हैं, तो रिलेटेड पार्टी नहीं है। और उसके बाद आता है आपका ओनरशिप इंटरेस्ट रहना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ, मतलब ये इक्विटी के फॉर्म में रहे या फिर अदर फॉर्म में, ओनरशिप इंटरेस्ट रहना चाहिए। जो पैसा लगाया उसका ओनरशिप रहना चाहिए, ना कि उस फंड का, मतलब कि मैंने फंड में पैसा लगाया, म्यूचुअल फंड मान लो, तो उस म्यूचुअल फंड में मेरे को एक यूनिट मिली कि मैंने 10 यूनिट खरीदा, 15 यूनिट खरीदा, तो मेरा ओनरशिप है, मैं उसको आज नहीं कल नहीं परसों कभी भी बेच या खरीद सकता हूँ, रिडीम कर सकता हूँ, सब्सक्राइब और रिडीम कर सकता हूँ। सो दैट्स इट फ्रॉम दी कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट। एक लंबा क्वेश्चन है जो कि अभी शायद नया सिलेबस में नहीं है, ओल्ड सिलेबस में था, अगर आप लोग बोलें तो मैं वो करा दूंगा। वैसे उसकी ज़रूरत बेसिकली है नहीं, लेकिन फिर भी देखते हैं, जैसा आप बोले, आई मीन ऑन योर विश। तो चलिए खुदा हाफिज़ करते हैं अभी यहाँ पे, और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू हिट द सब्सक्राइब बटन राइट नाउ, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।